अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मिट्सुबिशी पीएलसी एफएक्स सीरीज में कंपेयर की इंस्ट्रक्शन कैसे यूज करते हैं। इससे मैं इंक्रीज करा लेता हूँ एक डाटा रजिस्टर और वही डाटा रजिस्टर डिक्रीज करा लेता हूँ। और नीचे मैं इसको कराता हूँ कंपेयर। यहाँ पे अभी मैं कंपेयर की इंस्ट्रक्शन ग्रेटर देन की, यहाँ पर अभी मैं ग्रेटर की इंस्ट्रक्शन लगाता हूँ, ये ग्रेटर देन की D0 K10 आउट बाय ज़ीरो। यहाँ पे अगर मेरी D0 में वैल्यू के 10 से ज़्यादा होगी तो वह ज़ीरो मेरी ऑन हो जाएगी। अभी इससे नीचे मैं लगाता हूँ लेस देन की D0 K10, ये लेस देन। अगर मेरी वैल्यू D0 में 10 से कम होगी तो मेरी आउटपुट V1 ऑन हो जाएगी। ये देखिए मैं अभी राइट करता हूँ PLC पे। अभी मैं इसको ले जाता हूँ राइट मॉनिटर मोड में। ये देखें अभी मेरी वैल्यू 10 से कम है तो मेरी आउटपुट V1 निकल आउट हो रही है। ये अभी मैं पल्स देता हूँ X0 पे। ये देखें अभी मेरी वैल्यू 10 के बराबर हुई तो मेरी आउटपुट V1 बंद हो गई, क्योंकि मैंने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लगाई हुई D0 अगर लेस देन है के 10 से तो ये मेरी वैल्यू अभी बराबर हो गई है 10 से, इसीलिए मेरी आउटपुट बंद हो गई है। जब जैसे ही मैं और एक पल्स दूंगा X0 पे तो मेरी Y0 ऑन हो जाएगी। ये देखें ये अभी मेरी D0 में वैल्यू 10 से ऊपर है तो मेरी Y0 ऑन हो गई है। अभी जैसे ही मैं डिक्रीज कराऊंगा इसको X1 को, ये देखें अभी वैल्यू मेरी कम है 10 से तो मेरी V1 ऑन हो गई है। ये देखें ये अभी मेरी वैल्यू D0 में ज़्यादा हुई 10 से तो मेरी आउटपुट Y0 ऑन हो गई। मैं नीचे एक और इंस्ट्रक्शन लगाता हूँ ये ग्रेटर देन आर इक्वल D0 K10
K20 out V2 K30 आउट V3। ठीक है, अभी ये राइट करता हूँ मैं। यहाँ पे अभी देखिए, यहाँ पे अभी मेरी वैल्यू 10 से ज़्यादा है तो ये मेरी आउटपुट V0 नहीं कर रही है, और दूसरा नीचे मेरी D0 में वैल्यू 30 से कम है थी तो ये मेरी V3 ऑन है। अभी मैं इस पे देता हूँ पल्स X0 पे। X0 पे ठीक है, ये देखें, ये अभी मेरी बराबर हुई है। ये देखें, अभी मेरी वैल्यू D0 के जो 20 के बराबर हुई है तो ये मेरी V2 ऑन हो गई है। अभी जैसे ही मैं इसको और पल्स देता हूँ, ये देखें, ये देखें, अभी मेरी इसमें 31 भी वैल्यू, ये भी मेरी वैल्यू D0 में 31 भी 30 से ज़्यादा हुई तो ये मेरी V3 ऑफ हो गई। अभी देखिए मैं इसको कराता हूँ डाउन, डिक्रीज की मैं पल देता हूँ। ये जैसे ही 30 के बराबर हुई, ये देखें यहाँ पे, ये जैसे ही मैं 30 के इक्वल हुई तो मेरी V3 ऑन हो गई। ये जैसे ही 31 हुई तो ये ऑफ हो गई। ये देखें, ये ऊपर वाली, ये देखें, अभी मेरी D0 में वैल्यू 19 है तो इसमें मेरी V2 ऑफ है क्योंकि ये 20 से कम है। ये जैसे 20 के बराबर होगी, ये देखें, तो ये जैसे ही उसके इक्वल हुई तो ये ऑन होगी हमारी V2। यहाँ पे भी मैं वैसे 10 ही लिख देता हूँ, यहाँ पे भी 10 लिख देता हूँ, यहाँ पे भी 10 लिख देता हूँ। ये देखें, यहाँ पे मेरी वैल्यू D0 में 10 से ज़्यादा तो मेरी V0 ऑन है, और यहाँ पे भी ज़्यादा। ये जैसे ही मैं इसको डाउन लेके आता हूँ, डिक्रीज कराता हूँ, ये देखें, ये देखें, यहाँ पे ये वाली मेरी आउटपुट यहाँ पे बंद हो गई है क्योंकि ये 10 के इक्वल हो गई है। यहाँ पे मेरी आउटपुट बंद हो गई है क्योंकि ये D0 में वैल्यू 10 के इक्वल हो गई है। ये देखें, यहाँ पे मेरी आउटपुट ऑन है क्योंकि ये मेरे 10 के इक्वल, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लगी हुई है इक्वल की, इक्वल और ग्रेटर, यहाँ पे डबल है तो यहाँ पे मेरी V2 सॉरी आउट हो रही है, और यहाँ पे भी इक्वल की है और लेस देन की। ये देखें, मैं अभी इसको और डिक्रीज कराता हूँ, ये देखें, अभी ये वाली मेरी आउटपुट ऑफ हो गई है V2 क्योंकि ये 10 से लेस देन है। यहाँ पे ये वाली ऑन हो गई ये क्योंकि ये लेस देन और इक्वल की, यहाँ पे मेरी V3 ऑन है और ये वाली, ये दोनों ऑन है, ये वाली और ये वाली ऑफ है। ये जैसे ही मैं इसको इंक्रीज कराऊंगा, ये 10 के इक्वल हुई तो ये हमारी ऑन हो गई। इसको और इंक्रीज कराता हूँ, ये इंक्रीज, तो ये देखें, ये ग्रेटर वाली भी ऑन हो गई, ये अभी ग्रेटर वाली और ये वाली ग्रेटर आर इक्वल, ये V0 और V2 हमारी ऑन है। ये जैसे ही मैं इसको डिक्रीज कराऊंगा X1 से,
ये देखें यहाँ पे, ये देखें यहाँ पे, ये मेरी इक्वल है तो ये मेरी वाई टू ऑन है, यहाँ पे भी इक्वल की इंस्ट्रक्शन है, ये देखें यहाँ पे इक्वल की इंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे भी इक्वल की, ये मेरी वाई टू ऑन है, ये भी मैं डिलीट कर देता हूँ, ये इक्वल आर ग्रेटर की, सॉरी ग्रेटर आर लेस देन की, ये दो इंस्ट्रक्शन रहने देता हूँ। ये आप देखें ये भी लेस देन आर इक्वल की, ये वाली आउटपुट मेरी आन है क्योंकि ये लेस है 10 से, तो ये मेरी आउटपुट आन है। ये भी मैं इसको करता हूँ इंक्रीज, अभी मेरी ये आन हो गई क्योंकि ये ग्रेटर देन है, डी जीरो में वैल्यू मेरी 10 से ज़्यादा है तो ये मेरी आउटपुट आन है। ये भी मैं कराता हूँ इसको डिक्रीज, ये देखें ये 10 के इक्वल है, ये दोनों में इक्वल किया तो ये दोनों आउटपुट मेरी निकल रही हैं वाई टू और वाई थ्री। ये देखें यहाँ पे ये भी मेरी आउटपुट निकल रही है, ये भी मेरी आउटपुट निकल रही है क्योंकि इन दोनों में इक्वल किया इंस्ट्रक्शन, इक्वल आर ग्रेटर इक्वल आर लेस देन, ये लेस देन की है इक्वल आर लेस देन, ये इक्वल आर ग्रेटर देन। ये देखें ये जैसे ही मेरी वैल्यू डाउन हुई 10 से तो ये मेरी आउटपुट बंद हो गई। ये देखें ये यहाँ पे लेस देन की है आर इक्वल की तो ये मेरी आउटपुट ऑन है। ये जैसे ही मैं इसको इंक्रीज कराऊँगा, ये देखें ये जैसे ही मेरी वैल्यू 10 से ज़्यादा हुई या उसके बराबर तो ये मेरी आउटपुट ऑन हो जाएगी और ये वाली ऑफ हो जाएगी।